सोलन में एक व्यवसायी के घर में एक नहीं दो दो गोलियां चली। ये सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें एक व्यक्ति व्यवसायी के ऊपर गोली चलाता साफ दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस गोलीकांड को शहरवासी सच नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिस व्यवसायी के घर में ये घटना घटी, उसने एक वर्ष पहले इसी घर में करोड़ों के लेन देन को लेकर उसने अपने ही झूठी किडनैपिंग का स्वांग रचा था, जिसका आरोप उसने अपने ही रिश्तेदार पर लगाया। मजेदार बात यह थी कि इस घटना में फर्जी किडनैपर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में दिखाई दिए थे, जिससे वह बाद में झूठा साबित भी हुआ और बाप बेटे को हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। आज फिर से वैसी ही कहानी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, जिसमें दो व्यक्ति घर में आते हैं और व्यवसायी के बेटे से धक्का मुक्की करते हैं और वहां से भागते वक्त वह सीढ़ियों पर दो गोलियां चलाते हैं, जिसके खोल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि व्यवसायी पर गोली चली है या नहीं और इस घटना के क्या कारण रहे हैं, इनकी जांच गहनता से की जा रही है। रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे सदर थाना क्षेत्र में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और सीसीटीवी में भी जो जिन्होंने फायर शॉट किए हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और है। जैसे सर यहाँ पर पहले भी इसकी कंप्लेंट आई थी कि अभी इसके ऊपर हो रहा है हमला, तो उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। विल वेरीफाई प्रीवियस कंडक्ट और प्रीवियस अगर कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं दोनों तरफ की, विल वेरीफाई दैट। ठीक है, धन्यवाद। वैसे इसमें यह कि मामला क्या है सामने? जो अभी तक जो इनकी स्टेटमेंट है वो लेन देन का मैटर है और लेट अस सी अगर गोली वगैरह भी चली है। विल एग्जामिन, वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। वहीं व्यवसायी के पीएसओ ने बताया कि दो युवक घर में घुसकर गोली चलाकर भागने में कामयाब हुए हैं, जिनकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है, जिसमें मामले की जांच की जा रही है। काफी देर से पहले यहाँ रैकी कर रहे थे, रैकी करने के बाद वो उन्होंने गेट खोला, गेट में लॉक नहीं था, इसमें कुंडी लगी हुई थी, तो ये गेट खोलने के बाद वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर गए, तो ऊपर जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे तो वहाँ पे छोटू आ गया, तो इससे उन्होंने पूछा कहते अमित कहाँ पे है, तो ऐसे पीछे से वो खुद आ गए, तो उन्होंने जब उसको जैसे ही पूछा भी यहाँ कौन है, तो उसने पिस्टल उसके हाथ में पिस्टल थी, जैसे ही उसने पिस्टल आगे की तो वो पीछे भाग गए और वो जो आदमी थे वो नीचे को भाग गए। नीचे भागते भागते उन्होंने फायर किया, एक फायर उन्होंने आधी सीढ़ी में पहुंच के किया और एक गेट पे आके दूसरा राउंड फायर किया उन्होंने और वो बाहर निकल के सोलन की तरफ पैदल भाग गए।